स्वास्थ्य विभाग में चल रही घुसखोरी के चलते एक युवक ने इलाज के अभाव के चलते दम तोड़ दिया। मामला फतेहपुर जिले का है, जहां एक महिला ने अपने 16 साल के बेटे के फेफड़े के इलाज के लिए यूपी के सीएम से गुहार लगाई थी। बेटे के इलाज के लिए सहायता भी मिल गई, लेकिन जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने 3 महीने तक रिश्वत के चलते फाइल पर साइन नहीं किया, जिस वजह से बच्चे की मौत हो गई। वहीं गुस्साई बच्चे की मां ने सीएमओ ऑफिस पहुंचकर हंगामा काटा। वहीं मामले में डेप्यूटी सीएम ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। फिर एक दिन मैं फोन किया, मेरा फोन नहीं आप साहब रिसीव कर रहे थे। फिर मैंने वहाँ से फिर 5 दिन के लिए बच्चा अकेला छोड़ के बस चली आई। फिर यहाँ आई डायरेक्ट, मैंने कहा साहब मेरा घर दो, मेरा बच्चा अकेला है वहाँ। फिर इन्होंने कहा यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, मेरे संतोष के लिए नेट में चढ़ाए फिर रख दें। क्या लग रहा है आपसे पैसा, पैसे की डिमांड सहायता के लिए, इनके मेडिकल के लिए पैसा तक फंड को आपसे रिलीफ कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे लापरवाही की वजह से स्थिति की मौत। भले ही यूपी सीएम ने गरीबों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष का पिटारा खोल दिया हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सीएम की मंशा को भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ाने में लगे हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।